हाय गाइस, वेलकम बैक टू जुनेजा एक्सप्लोर्स। और आज का व्लॉग जो है वो ट्रैवल व्लॉग नहीं होने वाला है, बल्कि आज हमारा पर्सनल लाइफ व्लॉग होने वाला है। काफ़ी सारे लोग कहते थे कि पर्सनल व्लॉगिंग भी कीजिए, लाइफ आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करिए, सो दैट दे कैन कनेक्ट। तो आज जो है वो हम लेके आए हैं पर्सनल व्लॉग। और आज डेट है 19 फरवरी। आज एक स्पेशल डेट है, आज हमारे पेरेंट्स की 31st एनिवर्सरी है। सो हमने सोचा दिन भी अच्छा है और नई चीज की शुरुआत आज से होनी चाहिए। तो आज हम पूरे दिन हम अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम पूरे दिन क्या करेंगे, हम सारी डिटेल्स और सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। सो आइए देखते हैं। आज तो बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी पापा। थैंक यू बेटा। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी मां। थैंक यू बच्चा। थैंक यू मेरे बेटा। तो हमने जो है वो डेकोरेशन तो कल शाम को ही करवा ली थी, पर आज जो है वो दीदी जीजू भी आएंगे तो पूरा सेलिब्रेट तो आज करेंगे। बट आप देख सकते हैं ऐसे डेकोर तो कल शाम को ही अपने ड्राइंग रूम को थोड़ा सजवा लिया था। और कैसा लग रहा है पापा? बहुत अच्छा लग रहा है बेटे, 31 साल हो गए हमारी शादी को। और उस शादी का इनाम है तुम हो, तान्या है, आकांक्षा है, राहुल है। देखो अब ये देखो, शादी के बाद ये सब हो पाया है। क्यों, खुश तो है ही, इतने अच्छे बच्चे मिले हमें। अलग ये तो अच्छी है ही। ये तो डाउट वाली बात। मम्मी कह रही है एनिवर्सरी है भाई, कह रहे बच्चे मिल गए तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले तो ये, उसके बाद तुम सब। तो मंदिर तो जाना होगा। मंदिर तो जा ही रहे हैं बेटे, मंदिर तो आपको पता ही है कि हर बार जो है मंदिर तो हम सबसे पहले दर्शन करने जाते हैं, तो अब मंदिर जा रहे हैं हम लोग। चलो फिर मंदिर चलते हैं। चलो बेटे चलते हैं। जैसा आपने देखा, मम्मी पापा मंदिर हुआ है और अब लंच की तैयारी चल रही है। और लंच भी आज जो है वो स्पेशल हो रहा है, तो कांशा बिरयानी बना रही है और बहुत फेमस है कांशा के हाथ की बिरयानी। घर में बहुत फेमस है। तो अब बिरयानी बन रही है आज। दिखाओ अपनी बिरयानी, दिखाओ कैसी बन रही है। तो ये बन रहा है बिरयानी का मसाला, सारी वेजीज मैं डाल चुकी हूँ इसमें। और ये हमने चढ़ाया हुआ है राइस के लिए। गाइस, सब बिरयानी बन रही थी बट बीच में हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। ये रहिए सिलेंडर लाते हुए। तो ये क्या कर सकते हैं, बिरयानी तो खानी है ना, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर बिरयानी खानी है तो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। क्या बात है। चलो भाई पास हो गए तुम तो। फिर उसके बाद जो है बिरयानी खाकर हम सो गए थे। अगर आप बिरयानी खा के सोए नहीं तो पेट भर के आपने बिरयानी खाई नहीं थी। तो अब उसके बाद उठे हैं और शाम को अभी दीदी जीजू भी आ चुके हैं यहाँ पर और सेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ का थोड़ा माहौल कैसा है इस टाइम पे। हाय जीजू। हाय आकांक्षा। और क्या पार्टी चल रही है, कैसे हो? बहुत बढ़िया पार्टी चल रही है आज एनिवर्सरी की, पापा मम्मी की। मजा आ गया, फर्स्ट टाइम इकट्ठे मना रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, लग रहा है। बस खाना पीना चल रहा है। लास्ट ईयर तो हम बिनसर गए हुए थे बट इस साल हमारा कहीं प्लान नहीं बना बाहर जाने का, तो साल हम घर पे जाने का, बट ओमिक्रॉन की वजह से कैंसिल करा गया। अच्छा हुआ कैंसिल हो गया, इसलिए हम लोग मिल लिए आज। बिल्कुल 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 सही बात है। और ये प्यारा सा गिफ्ट पापा मम्मी के लिए एनिवर्सरी के लिए मंगवाया था,
ये हमने लैम्प प्लस स्पीकर है, स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर, और साथ में एक मैसेज भी था, पापा आपके लिए मैसेज भी लिखा था हमने, सुनाता हूँ आपको, विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी माँ पापा, लॉट्स ऑफ लव, वी आर व्हाट वी आर ओनली बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स, थैंक्स फॉर गेटिंग मैरिड। क्या क्या खा रहे हो बताओ मुझे, मैं भी खाती हूँ भाई। अब तो सब खत्म कर दिया खा खा के, पर इसमें फ्रेंच फ्राइज थे, इसमें मैकपफ थे, स्प्रिंग रोल थे, खत्म हो गए। ये मोमोज है, चलो मोमोज पड़े हैं, बहुत टेस्टी है, और मोमोज बहुत टेस्टी है, चिली पोटैटो कहाँ से मंगाए हैं शुभम? वो मेरे को स्पॉन्सर नहीं मिला अभी तक तो मैं बता नहीं सकता। एक बार स्पॉन्सर आ जाएंगे मैं टैग कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, उसके बाद अगर कुछ बन गया तो बता देंगे। ये सही है, पहली डेली ब्लॉग में स्पॉन्सर के लिए तुम एडवोकेट कर लो। स्पॉन्सर तो बहुत सारे आ भी रहे हैं, पर हम जो है रेलिवेंट वालों को ही एंटरटेन करेंगे। ठीक है गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्टनरिंग विद अस तो आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट करें हमारे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे। हाय दीदी, हेलो। हमारा अपने घर का चैनल, फर्स्ट टाइम आपकी दीदी, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूसिंग दीदी जीशू ऑन जनेजा एक्सप्लोर्स। यस, मम्मी पापा की एनिवर्सरी मनाने आया है, शादी के बाद फर्स्ट टाइम, बहुत मजे आ रहे हैं। सही में फर्स्ट टाइम आज हम एनिवर्सरी मना रहे हैं मम्मी पापा के साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा सजाया हुआ है घर, बहुत ही बढ़िया, इतनी अच्छी डेकोरेशन हमने कहीं नहीं देखी आज तक एनिवर्सरी। जितने अच्छे मम्मी पापा उतनी अच्छी डेकोरेशन कराई हमने, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है सब कुछ। मेरा पसीने उतर रहे हैं और ये लेदर जैकेट में। भाई मतलब ओकेजन है तो तैयार तो हो ना, क्या पहन के नहीं आ सकता ना, तो क्या हो गया, इतना खर्चा हो गया, तुम एसी ऑन कर लो, कुछ भी करेंगे ना फोटो के लिए, कुछ भी करना पड़ता है। चलो भाई मनानी पापा मम्मी की एनिवर्सरी, चलो आओ बनाओ केक काटे। हाँ केक कट करते हैं ना, चले आकांक्षा, चलो केक काटते हैं, चलो गाइस। हैप्पी एनिवर्सरी, उल्टा दे दिया यार ये तो नॉर्मल हो गया, मैं तो पंजाबी वाला जैसे होता है ना जो मोस्टली दिखाते हैं मूवीज में, है नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी, कोई बात नहीं चलो रख ले। शादी के 31 साल हो गए, हम बच्चों के लिए कोई सीख हो। बस हमारे तरह ही तुम खुशहाल जिंदगी जीना, खुश रहना, हमेशा खुश रहो, बस यही है, खुश रहो, झगड़ा मत करो एक दूसरे को, अच्छी चीजें सोचो, गिलास आधा खाली मत देखो, गिलास आधा भरा देखो, कमियों की तरफ ध्यान मत दो, अच्छाइयों की तरफ ध्यान दो। बताओ ये तो जो हम करते हैं एग्जैक्टली पापा ने बता दिया, मुझे लगा कुछ नया बताएंगे पापा, पापा तो कह रहे वही जो करते, मतलब इन शॉर्ट कह रहे जो कर रहे हो करते रहने 31 साल तक। ये जो है नया नहीं है, ये तो 31 तुझे जितनी साल तेरी, मतलब तुझे पता है ये कर रहे इसलिए तू कर रहा है। हाँ भाई क्या सीखा फिर बताओ? हमने पापा ने कहा है जो आज तक कर रहे हो हमेशा करते रहना, पापा ने ये कहा है। चलो बहुत बढ़िया, स्पेशल डे को सचमुच स्पेशल बनाया बच्चों ने, स्पेशल बनाया बच्चों ने, नहीं तो हम लोग तो बड़े सिंपल से रहे हैं। थैंक यू हमारे बच्चों को, सबको, बच्चे बड़े हो जाते तो मम्मी पापा के आराम करने का टाइम आ जाता है, एंजॉय करो लाइफ, एक चीयर्स तो कर दो एनिवर्सरी के लिए, चीयर्स टू आवर एनिवर्सरी, बढ़िया सेम टू यू। तो अभी रात के 12 बज चुके और रैंडमली प्लान बन गए, रात के 12:15 हो रहे हैं। हम जा रहे हैं बाहर घूमने, गेड़ी मारने, और आपको दिखाते हैं बाहर का नजारा कि कैसा हो रहा है, घुमाते हैं, मौसम बहुत बढ़िया है, एकदम चिल करने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं अभी किया सेल्टोस में मारेंगे गेड़ी और सनरूफ से निकलेंगे बाहर।
और फुल फुल नजारे दिलाएंगे आपको गुड़गांव के आज। चलो जी चलो चले चलो आ जाओ। बस यार अभी जैसे तुम बताओ कहाँ चलना है। आप बताओ। आइसक्रीम खाने चले। आइसक्रीम खाने आइसक्रीम खाने चलते हैं। नेचुरल्स नेचुरल या ज्ञानी नेचुरल या ज्ञानी देखते हैं अभी जैसे प्लान बने अभी डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है लेकिन आइसक्रीम खा के आएंगे आज। वहाँ पर पूरा 24/7 खुलता है वो पूरा जो तुम्हारे जीजू खिला दे जो तुम्हारे जीजू खिला दे वो आइसक्रीम खा लेंगे। अभी हम है साइबर सिटी में रात के बज रहे हैं 1 और आइए आपको नजारे दिखाते हैं। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल व्यू एंड वी आर रियली एंजॉयिंग। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। लेट्स सी तो गाइस हम घर आ चुके हैं अब आइसक्रीम खा के। बहुत मजा आया आज, हमने बहुत फन किया। आपने देखा ही होगा इस वीडियो में कि कितनी हमने बढ़िया गेड़ी मारी है आज गुड़गांव की रात की। और देखते रहें, कनेक्टेड रहें, ऐसे ही व्लॉग्स आने वाले बहुत like, सारे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत ही बढ़िया कंटेंट आएगा आगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो भाई इस बार तो पक्का सब्सक्राइब हो जाना चाहिए क्योंकि देखो जीजू ने वीडियो की एंड करा है। जो है जितने भी सब लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय बाय।